दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा। मैं आज प्रकाश डाल रहा हूं गौशालाओं पे। हम बहुत महत्व देते हैं गौशाला को और नतमस्तक हो जाते हैं गाय का नाम सुनते ही। लेकिन कुछ बातें सोचने की होती है जो कोई नहीं सोचता। दोस्तों, आपने कहीं भी भैंसशाला देखी है? गौशाला तो सभी जगह है, लेकिन भारत में कहीं भी गौशाला की बजाय भैंसशाला देखी है? नहीं देखी ना। अब आप कहोगे कि भैंसशाला की जरूरत ही नहीं है, भैंस को तो काट दिया जाता है। जो भैंस बेकार हो गई उसको काट दिया जाता है। आपको एक भी भैंस गायों की तरह गलियों में घूमती हुई नहीं मिलेगी। और उसका जवाब आपका यही होगा कि भैंसों को बुचड़ खाने बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका भी जवाब आपको दे रहा हूं कि अकेली भैंसों को नहीं, अपने दिमाग की आंख को खोल के देखिए और सोचिए कि विश्व के अंदर बीफ निर्यातक देशों में सबसे आगे चल रहा है ब्राजील, और ब्राजील को टक्कर देता हुआ साथ का साथ नाम आता है भारत का। तो दोस्तों, भैंसें कटती है और गाय नहीं कटती, तो ये बीफ बुचड़खानों में कहां से आता है? ये बीफ कहां से आता है और इतना बीफ ब्राजील की टक्कर का, ब्राजील को टक्कर देते हुए भारत जो इतना बीफ निर्यात कर रहा है वो कहां से आता है? जरा सोचिए। जैसे हमने सोच रखा है कि हमारा भारत हिंदुस्तान है और इसमें हिंदी बोली जाती है, और करीब करीब लोग यही सोच रहे हैं कि भारत में हिंदी हमारी भारत की मातृभाषा है। मातृभाषा नहीं है, मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि मातृभाषा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत के मात्र 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, बाकी कहीं हिंदी नहीं बोली जाती। तो हमारे देश की पूरी भाषा हो तो पूरे जो 28-29 राज्य हैं, 7-8 केंद्र शासित राज्य हैं, उन सब में लागू होनी चाहिए। लेकिन वहां पे अपनी प्रांतीय भाषाएं बोली जाती है, अपनी भाषाएं बोली जाती है। आप दक्षिण में जाके देख लीजिए, आप हिंदी बोल के देख लीजिए, आपको कोई जवाब तक नहीं देगा, क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं है, उनको पता ही नहीं होगा कि तुम बोल क्या रहे हो। वैसे ही जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें पता लगेगा कि गाय के साथ क्या हो रहा है और किस प्रकार हम चुपचाप बैठे हैं। तो गायों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसको आपने नहीं देखा है अभी तक। आप गौशाला का एक चक्कर लगाइए, देखिए कितनी गायें ऐसी है जो अपने आप उठकर खड़ी नहीं हो सकती। आपको गौशाला में 20-30-50 गायें ऐसी मिल जाएगी हर गौशाला में। जहां 500 गायें हैं तो वहां 20-30-50 गायें ऐसी मिल जाएगी जो अपने आप खड़ा नहीं हो सकती, और उसकी मजबूरी का लाभ उठा के उसको कुत्ते और कौवे जिंदी को खा रहे होते हैं। ये अपनी आंख से देख लेना। वहां गाय की कोई केयर नहीं है, वहां गाय की उसी की केयर होती है जो दूध देने वाली अच्छी गाय बन जाए। उसको जरूर वहां पे चारा सही तरीके से डाला जाता है, वरना 100-150 गायों के पीछे 2 आदमी रख लिए जाते हैं 5,000-5,000 रुपए तनख्वाह के, और वो उनको घुमा के ले आते हैं और जो दान में आई हुई भूसा चारा वगैरह होता है वो थोड़ा थोड़ा शाम के टाइम में उनको डाल दिया जाता है। आप
जाके निरीक्षण करना, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य नहीं मिले तो आप मुझसे बात करना, ये सत्य है। दूसरी बात, गायों की मरी हुई गायों के लिए एक टेंडर होता है, ठेका होता है, और जिस साल में गायें पूरी मरी हुई नहीं होती तो कुछ गौशालाएं ऐसी होती है कि उनका पूरा करने के लिए, ठेका पूरा करने के लिए, गिनती पूरी करने के लिए कुछ ऐसी मरणासन गायें होती है, उनको भी उठवा देते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा भारत का बूचड़खाना है अल कबीर। नाम देखने से हम चकरा जाएंगे, नाम है अल कबीर, और आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ अल कबीर नाम है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि उसके दो पार्टनर दोनों हिंदू है। दोनों ही पार्टनर जो है वो हिंदू है। आप पता कर लीजिए, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए उनके डायरेक्टर कौन है, आपको पता लग जाएगा, ओनर कौन है उनका, आपको सब पता लग जाएगा। तो दोस्तों, हम जिस भ्रम में रह रहे हैं उस भ्रम की सत्यता को जांचिए, परखिए, तब आपको असलियत का पता चलेगा, असलियत क्या हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि कभी भी कहीं भी आपको भैंसशाला नहीं मिलेगी, उसके दो तीन कारण हैं। गाय आपको 5 से 15 हजार तक मिल जाएगी, लेकिन भैंस आपको 50 हजार से लेकर 1.5 लाख तक आपको गाय मिलेगी, भैंस मिलेगी आपको 1.5 लाख तक। तो इतना पैसा लगाने के बाद में मालिक इतना सतर्क रहता है कि उसको पानी भी घर में पिलाया जाता है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता, क्योंकि एक भैंस अगर चली गई तो 1.5 लाख तो वो गया, 1.5 लाख और लगाएंगे तो उसके साथ की दूसरी भैंस आएगी। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, गाय का पालन करते हैं, गाय का दूध निकाला और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जगह ही नहीं होती पशु बांधने की। कई घर तो ऐसे हैं जिनकी गाय रोड पे रहती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इधर से तो हम गाय को मां कह रहे हैं और इधर इसको घर से बाहर निकाल दिया, तो सोचिए कि हमारा धर्म क्या बनता है, हमारा फर्ज क्या बनता है। वही गाय प्लास्टिक की थैलियां खाएगी, होटलों की फेंकी हुई चाय या गंदी चीजें खाएगी, जूठन पतले चाटेगी, या सब्जी बाजार में चली जाएगी तो वहां पे किसी के ठेले से आलू उठा लिया तो किसी के सब्जी कोई और उठा ली, और लठ भी खाने पड़ते हैं गौ माताओं को। तो दोस्तों, या तो गाय पालो मत, और अगर पालो तो उसको भैंस की तरह अपने घर में रखिए। कभी दूसरे पर विश्वास मत करिए, गाय को अपनी माता मानते हुए उसका सही तरीके से, क्योंकि वो अपने बच्चे का पेट काटकर हमें दूध देती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसकी सेवा अच्छी तरीके से करें। तो दोस्तों, मेरी बातों को बड़ी गौर से सुनना, जो भी वीडियो बनाता हूं मैं अपनी आंखों से ये किस्से हाल वगैरह देख के अपने ज्ञान को विज्ञान से परख कर फिर मैं वीडियो बनाता हूं। तो इस वीडियो को आप भी परखना, मेरी बातों में कितनी सत्यता है, और कहीं भैंसशाला मिल जाए तो मुझे बताना कि फलानी जगह भैंसशाला भी है, नहीं मिलेगी आपको। तो दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद, और जाते जाते एक लाइक करते जाना, और साथ में जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।